देखिए, अमरनाथ जी यात्रा जो शुरू हो रही है कल से, इसमें हमारे सबको पता है बेस कैंप हमारे बालटाल और पहलगाम में नुनवान से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद चंदनवाड़ी से होते हुए हमारे होली केव के दर्शन के लिए यात्री निकलेंगे। इसके पूरे इंतजाम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बस यात्रियों को हम वेट कर रहे हैं। यात्री बेस कैंप में पहुंचने लगे हैं और कल सुबह जो है इसका फ्लैग ऑफ होगा। दोनों जो रेस्पेक्टिव एक्सेस बालटाल और नुनवान से इसको छोड़ा जाएगा। हेल्थ के इंतजाम हो वो हमने इस बार पूरे अच्छे तरीके से किए हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छे इंतजाम थे, उससे भी बेहतर इस बार किए हैं। बेस कैंप्स में हॉस्पिटल्स हैं, 55 लोकेशंस पे हमारे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो भी जरूरत की चीजें हैं, सारी दवाइयां जो है वहां हो चुकी है, डॉक्टर्स वहां पहुंच चुके हैं। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, चाहे हमारे लंगर वाले हो या पोनी पिट्ठू वाले हो, पालकी वाले हो, वो भी बिल्कुल सेवा में एकदम तत्पर है। अब यात्री जब कल जाएंगे तो उन्हें अब तक का सबसे अच्छा यात्रा का अनुभव हम कराने वाले हैं और ये यात्रा उनके लिए बहुत सुखद होने वाली है। इसके अलावा हमने इस बार साफ सफाई पे पिछली बार से और भी ज्यादा इसमें ध्यान दिया है और जीरो वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम जो रिसाइकलेबल वेस्ट होगा वो ऊपर के कैंपों से लाके उसको रिसाइकल किया जाएगा और जो ड्राई वेट वेस्ट होगा उसको हम वहां प्रोसेस करने की भी सुविधा इस बार की गई है। यात्री के लिए ये है कि आपकी यात्रा बिल्कुल मंगलमय हो, हम सब बिल्कुल इसमें तैयार हैं। थोड़ा बस होली केव पे जब आप पहुंचे तो उसके बाद जब सीढ़ियां चढ़े तो थोड़ा धीरे धीरे चढ़े और थोड़ा रेस्ट लेके चढ़े, क्योंकि वहां ज्यादा ऊंचाई है तो वहां जनरली ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो आराम से इसको, एक तरीके से कहते हैं कि वो बाबा बर्फानी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और वहां थोड़ा सा हेल्थ का खास ध्यान रखें। इंतजाम बहुत अच्छे हैं। दूसरा, पूरी सिविल सोसाइटी और उनको पूरे, मतलब हम कहें, खुली बाहों से उनका स्वागत किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ के जो लोग हैं सभी इसको लेके उत्साहित हैं। ये यात्रा केवल हमारी रिलीजियस नहीं होती है, इसके और भी कोनोटेशंस होते हैं, ना केवल इकोनॉमिक होती है। ये तो पूरी सद्भावना और उसकी यात्रा है, तो उस हिसाब से